आज हमारा देश एकमात्र देश होगा पूरी दुनिया में जो क्रिप्टो करेंसी बिल लाने से पहले क्रिप्टो टैक्स लगा देता है, और एकमात्र वित्त मंत्री होंगे इस देश में जो कहती है पता नहीं लीगल है या इलीगल है, और वो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, जो क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन आएगा तब हम बात करेंगे, पर हाँ हम उस पर टैक्स जरूर लगाएंगे, हम उस पर टैक्स भी लगाएंगे, हम उस पर टीडीएस भी लगाएंगे, जिस तरीके से बताया गया इस पर टैक्स लगाओ टैक्स लगाओ टैक्स लगाओ और बढ़ाओ, क्योंकि बाकी सारे देश कर रहे हैं। उससे मुझे ध्यान आता है जब देश में कंप्यूटर आया था, देश में जब कंप्यूटर आया था तो हमारा ये विपक्ष ही था जो बैलगाड़ी लेकर बाहर आकर अपोज कर रहा था, ताकि लाखों लाखों युवा बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगारी चरम सीमा पे बचाएगी, ये सरकार युवा विरोधी सरकार है। और क्या हुआ, कंप्यूटर आने के बाद अगर किसी देश को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, देश के युवाओं को फायदा हुआ, वो भारत के बच्चों को फायदा हुआ। आज हम लोग बड़े बड़े लीडरशिप रोल्स में हैं, दुनिया भर में लीडरशिप रोल्स में हैं, तो उसका फायदा हमारे युवाओं को हुआ। तो बार बार ये कहना कि ये जो है बहुत ही गंदी चीज हो रही है, बहुत ही गलत चीज हो रही है, क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रही है तो ये गंदी ही होगी, ये बिल्कुल मुझे वो बात याद आती है कि बच्चों से कहा जाता है बचपन से ही, और हमारे भारत में ये विशेष करके होता है, तुम अगर इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, वही करियर होते हैं, बाकी सारे करियर गलत होते हैं। और अगर वो करियर गलत है, कोई और कुछ चूज करना चाह रहे हैं, तो उनको रोक जाने की कोशिश की जाती है, अगर रोकते नहीं तो कहते हैं आप घर के बाहर निकाल देंगे। तो ये बिल्कुल वही हालत हो रही है क्रिप्टो के साथ, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है उसके मंशा, क्या है इंटेंशन, क्या है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कैपेसिटी, क्या है इनेबलिंग इकोसिस्टम बनने की जरूरत, क्या है वेब 3.0 क्या है, तो इसलिए हम उसको टैक्स भी करेंगे और हम उसका क्रिप्टो रेगुलेशन भी नहीं निकालेंगे। मैंने आपको कंप्यूटर का उदाहरण दिया, ऐसे ही इंटरनेट जब आया था देश में ही क्या दुनिया में, हर डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी आपको भी डिस्टर्ब करेगी, पॉलिसीज को डिस्टर्ब करेगी, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस टेक्नोलॉजी के आगे बनकर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए और इससे हम घबराए नहीं। आज जब इंटरनेट आया, सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ तो हमारे ही देशवासियों को हुआ, पर दुख इस बात का होता है क्योंकि हम उनके लिए इनेबलिंग इकोसिस्टम नहीं बना पाए, उस वजह से वो दूसरे देशों में जाकर, आज आप कैलिफोर्निया देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, जो जो बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज हैं, उसको हेड हमारे इंडियंस ही करते हैं। तो आज वही टैलेंट अगर हमारे देश में ऐसी कंपनीज बनाता तो क्या हमारे देश को फायदा नहीं होता? सर, आई विल जस्ट कंक्लूड विद जस्ट वन लास्ट बिट, कि सर वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ वेब 3.0, आइदर वी चूज टू बाइट द बुलेट और वी डॉज द बुलेट। इफ वी बाइट द बुलेट, we will be able to create an enabling ecosystem for our youth and empowering them and empowering the economy. If we choose to dodge the bullet, we can continue to feel great that Indians are doing well abroad. We can continue to take pride in that reflected glory, but at the cost of empowering our own nation. So I would request the finance minister to think about it, and thank you so much, sir. These words I can conclude.